तो यार कैसे हो आप सभी लोग। तो इस वीडियो में हम ड्रोन बनाने जा रहे हैं, और इस ड्रोन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको आइसक्रीम स्टिक्स चाहिए होंगी, और उसके बाद आपको ये प्लस साइन कार्डबोर्ड के ऊपर जो कि मैंने कट कर लिया है वो चाहिए होगा, और उसके ऊपर ये आइसक्रीम स्टिक्स कुछ इस तरीके से फिक्स हो जाएंगी जो कि 90 डिग्री पे है बिल्कुल, और ऐसे ही आपको कट करना होगा बिल्कुल सेम टू सेम। तो अब बारी है इसे चिपकाने की, तो मैं फेविक्विक की हेल्प से इसे चिपकाऊंगा। आप भी फेविक्विक की हेल्प से चिपकाइएगा, फेविकोल का यूज़ मत कीजिएगा, इसमें बहुत टाइम लगेगा और ये इतना मजबूत नहीं चिपकेगा। तो मैं फेविक्विक से इसे चिपका ले रहा हूँ, और ये 2 सेकंड में भी चिपक जाएगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। और ये फर्स्ट वाली लेग हमारी चिपक के रेडी हो चुकी है, तो अब बारी है सेकंड वाली को भी मैं ऐसे ही चिपकाऊंगा जैसे फर्स्ट वाली चिपकाया। तो इस पर भी मैं फेविक्विक लगा दी और इसे भी चिपका दी। अब बारी है थर्ड वाली की, तो थर्ड पर भी मैं वही प्रोसेस आजमाऊँगा और इसे भी चिपका दूँगा कुछ इस तरीके से, और ये लास्ट वाली इसे भी मैं चिपका दे रहा हूँ। तो अब हमारा ये ड्रोन का पूरा स्ट्रक्चर बन के रेडी हो चुका है, पूरी बॉडी बन के रेडी हो चुकी है। बस थोड़ी सी इसमें एक और चीज़ चिपकानी है जो कि सेकंड वाला प्लस वाला साइन है, उसे हमें चिपकाना होगा। तो अगर आपके पास कार्डबोर्ड नहीं है तो आप प्लास्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी शीट ज़्यादा बढ़िया रहेगी। अगर आप एक ही प्लास्टिक की शीट के ये प्लस साइन कट करेंगे और इसे चिपकाएंगे तो एक ही काफ़ी रहेगा। तो ये कार्डबोर्ड का, इसीलिए मैं इसे 2 चिपका रहा हूँ। तो ये सेकंड वाला भी चिपक चुका है और हमारी बॉडी बन के रेडी हो चुकी है। तो ये सूखने में ज़्यादा टाइम लेती नहीं, आपको पता ही है। तो अब हमारी ड्रोन की बिल्कुल परफेक्ट बॉडी बन के रेडी हो चुकी है। तो अब इसमें आपको एक और चीज़ करनी होगी, आपको कुछ इस तरीके से सीज़र की हेल्प से इसे कट कर लेना होगा। तो ये कट इसलिए करना होगा, ये आपको थोड़ी आगे चल के पता चलेगा कि इसे कट करना क्यों होगा। तो चारों कोनों में आपको कट करना होगा, सेम साइज़ का कट करना होगा। तो ये मैंने कट कर लिया और ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो आपको भी ऐसा ही कट कर ले। तो यार उसके बाद आपको ये 4 सिंपल DC मोटर लेनी होगी। ये बिल्कुल ही सिंपल मोटर है जो कि मैंने मार्केट से बहुत ही चीप प्राइस में ख़रीदी है, तो आपको भी इसे ख़रीद लेना होगा और इसे हम ड्रोन बनाएंगे। और उसके बाद आपको प्रोपेलर भी चाहिए होंगे, जिसे मैंने मार्केट से ख़रीदा बहुत ही सस्ते प्राइस में, ये 1-2 रुपये में एक प्रोपेलर मुझे मिल गया, और इसे एक बीच में खाली होते हैं तो मैंने इसे गियर्स फंसा दिए हैं, और अब ये बढ़िया से मोटर के ऊपर फिक्स हो जा रहे हैं, तो मतलब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो अब आपको इन मोटर्स को इस बॉडी के ऊपर फिक्स कर लेना होगा जो कि हमने ड्रोन वाली बॉडी बनाई थी। तो मैंने ये कट इसलिए लगाया था ताकि मोटर कुछ इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। ये गोल होती तो इसका बहुत ही स्मॉल साइज मोटर के ऊपर चिपक पाता, पर अब ये बिल्कुल सीधा है तो अब काफ़ी साइज़ इसका मोटर के ऊपर चिपकेगा, जिससे मजबूती हमारी बढ़िया से बनी रहेगी। तो मैं फेविक्विक की हेल्प से इस मोटर को चिपकाऊंगा। आप थोड़ी तगड़ी कम भी ले सकते हैं, अरल टाइट ले सकते हैं, तो उससे तो मतलब बहुत ज़्यादा पक्का हो जाएगा, पर उसमें टाइम लगेगा 12 घंटे का सूखने में। तो मैं फेविक्विक ले रहा हूँ, इसमें बहुत कम टाइम लगता है, तो मैं इसीलिए फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ। पर ये थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा, पर ये टूटेगा नहीं इतना है अगर आप इसे ढंग से रखेंगे तो। तो ये लास्ट वाली मोटर को भी मैं चिपका ले रहा हूँ, और ये बहुत जल्दी चिपक जा रही है सच में। और ये हमारी चारों मोटर चिपक के रेडी हो चुकी है, और ये हमारा ड्रोन दिखने में काफ़ी बैलेंस्ड लग रहा है। तो अब इसमें स्टैंड की कमी है, ये नीचे मतलब रगड़ आ जाएगा अगर इसमें स्टैंड नहीं लगा हुआ तो मैं यहाँ पे स्टैंड भी लगा ले रहा हूँ। तो मैं आइसक्रीम स्टिक एक और ले रहा हूँ, जिसमें मैंने कुछ इस तरीके से बिना नाप के चारों ये स्टिक्स कुछ इस तरीके से कट कर ली हैं, तो आपको भी ऐसे ही कट कर लेनी होंगी। और मैंने फेविक्विक से ही इसे ऐसे चिपका दिया बिना टाइम वेस्ट किए कोई भी। तो अब बारी है इसमें वायरिंग करने की, तो अब आपको वायरिंग इसमें कर लेनी होगी, और उसके बैक साइड में आपको ये वायर्स को शोल्डरिंग कर लेना होगा मोटर की, जहाँ पे मोटर के टर्मिनल्स दिए हुए हैं। तो मैंने दोनों वायर एक में और सब में ऐसे ही शोल्डर कर ले रहा हूँ। तो ये देखो मैंने 2-2 वायर सब एक मोटर में शोल्डर कर लिया, 2 वायर इसमें, 2 वायर इसमें, मतलब चारों में 2-2 वायर शोल्डरिंग कर लिए हैं। और इसके बाद आपको ये प्रोपेलर अब इसमें फ़िक्स कर देना होगा। तो मैं चारों एक एक करके प्रोपेलर को फ़िक्स कर ले रहा हूँ, और ये बढ़िया से फिक्स हो जा रहे हैं क्योंकि इसमें मैंने गियर्स का इस्तेमाल किया है, इन प्रोपेलर के बीच में लगे हुए हैं गियर्स। तो इसमें मैंने तीसरा प्रोपेलर फिक्स कर दिया, और ये चौथा भी फिक्स हो चुका है। तो हमारा ड्रोन बिल्कुल लगभग बन के रेडी हो ही चुका है क्योंकि प्रोपेलर भी फिक्स हो चुके हैं। तो अब आपको वायरिंग करनी होगी, तो चारों वायर एक मोटर की और चारों वायर एक मोटर के इकट्ठे करके आपको दोनों में ये सिंगल सिंगल वायर को जोड़ लेना होगा, या तो आप शोल्डरिंग भी कर सकते हैं, मैं ऐसे ही जोड़ ले रहा हूँ क्योंकि ये छूटने नहीं वाली हैं। तो अब ये मैं दूसरी वाली भी वायर लगा ले रहा हूँ, और ये आपको ऐसे लगानी होगी कि ये मोटर नीचे कोई हवा दे, मतलब उल्टी ना लगानी होगी, बस आपको ऐसे देखना होगा। तो अब ये बन के रेडी हो चुका है। तो अब बारी है इसकी टेस्टिंग की, तो इसकी टेस्टिंग भी कर ले रहे हैं। तो अब मैं इसमें 12 वोल्ट सप्लाई दे रहा हूँ, और ये देखो मतलब ये सिंपल मोटर है, बिल्कुल सिंपल मोटर है, कोई भी इसमें अपग्रेडेड मोटर नहीं है। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने इसी DC मोटर को बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड मोटर बनाई थी अपग्रेड करके, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने देख चुका है, आप भी जाके उसे देखो ज़रूर, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो है।
और आगे चल के हम एक अपग्रेडेड मोटर से यही ड्रोन फिर से बना के देखेंगे कि वो फ्लाई कर पा रहा है या नहीं, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा थी। तो मैं ये लग्स भी हटा दे रहा हूँ ताकि इसका वेट थोड़ा और कम हो जाए तो ये मतलब ठीक ठाक फ्लाई कर पाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मोटर है, ये ड्रोन बनाने के बिल्कुल भी काबिल नहीं होती हैं। ये सिर्फ आरसी कार या कुछ ऐसे छोटे मोटे खिलौने में यूज़ होती हैं, इसीलिए ढंग से नहीं उड़ पा रहा है। पर मैं इसमें अपग्रेडेड मोटर का इस्तेमाल करूँगा आगे चल के, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मोटर है। तो इस वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आगे चल के वो वीडियो आपको पक्का मिलेगी। और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिले। और ये अगर आपको प्रोजेक्ट बढ़िया लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये स्कूल प्रोजेक्ट के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट है और ये बहुत ही चीप प्राइस में बन जाएगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो यार, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।